बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार शालवानी साहब, यहाँ पे आए हुए डिप्लोमेट्स, खासतौर पे जर्मन काउंसिल जनरल मिस्टर वुल्फर्ट और हाई काउंसिल जनरल मिस्टर नैथरीन, जनरल अक्रम शाही साहब, अहमद शाह साहब, सारे मौजूदीन और खासतौर पे यहाँ इस मैराथन में शिरकत करने वाले सारे एथलीट और इनाम पाने वाले एथलीट, अस्सलाम वालेकुम। चुप रहो। बड़ी खुशी की बात है कि कराची में, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया, 30 साल बाद ये इवेंट हुआ है। सिटी मैराथन का कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी सारी टीम बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने इस शहर कराची में आज ये इवेंट किया। ये कराची शहर पिछले 2-3 दहाइयों में जिस तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में घिरा हुआ था, उसके बाद आज ये इवेंट होना और इसके तरीके के बहुत सारे इवेंट होना, अभी हम इधर बैठे हैं, करीबी वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम से आखिरी T20 खेल रही है। कुछ दिनों बाद यहाँ पे PSL के मैचेस होने हैं और फाइनल और सेमीफाइनल 5 मैचेस कराची में होने। पिछले साल भी हमने PSL का फाइनल कराया है कराची में। हमारे यहाँ हिज हाइनेस आगा खान और बोरी कम्युनिटी के सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, वो तशरीफ लाए। पिछले 2 सालों में ये सारे इवेंट्स होना इस बात की दलील है कि कराची दोबारा रोशनियों का शहर हो गया है और कराची के शहरियों ने उन लोगों को जो इस शहर का अमन खराब करना चाहते थे उनको शिकस्त दी है। इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, हमारी आर्म फोर्सेस, ये सब शामिल है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक कराची के लोग हैं, कराची के शहरी हैं, जिन्होंने वो रिजॉल्व रखा कि इस रोशनियों के शहर को वापस अपनी रोशनियाँ यहाँ लौटनी है। ये मैराथन के इनेकाद पे एक बार फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो सारे स्पॉन्सर्स हैं, मुझे कमिश्नर साहब ने बताया कि ये सब स्पॉन्सरशिप पे हुआ है और ख़ास तौर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, पेप्सी कोला, नेस्ले, कराची हीट, ईसा लेबोरेटरीज, CPLC, सुपर सवारी, करीम, DGQ और सोशल जंक्शन, इनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन इसकी असल कामयाबी कराची के लोगों की, कराची के शहरियों की कामयाबी है। मुझे खुशी हुई यहाँ पे छोटे बच्चों, वेटरन्स, जिसमें 83 ईयर एंड 2 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट, उन्होंने साहब ने अपनी शुरू बताई, इस एज के लोगों ने ये मैराथन कंप्लीट किया। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि जो यहाँ डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं हमारे, फूल, उन्होंने भी इसमें शिरकत की और मेडल्स दिए। मैं सुबह आया था तो मुझे कहा कि जी आप तो, हम तो समझे थे कि आप भी दौड़ेंगे इसमें, मुझे एक तो बुलाया नहीं, इनको डर था कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मैंने इन्हें कहा था, भाई एक कैटेगरी बनाओ जो 50 साल से ऊपर की हो और असेंबली का मेंबर हो और मीम से उसका नाम शुरू होता हो तो मैं आऊंगा इसकी सभी चांस है। तो वो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं शिरकत नहीं कर सका। बट इंशाल्लाह ताला कमिश्नर साहब, नेक्स्ट ईयर आपके साथ शिरकत करूंगा।
एक बार फिर कमिश्नर साहब का शुक्रिया इधर बुलाने का, और कराची के शहरियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।